Hello students, today my subject is English grammar and we learn about chapter 5 nouns gender. Okay, ये chapter हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Last video में मैंने इस chapter को आपको पढ़ाया था और इसमें मैंने आपको feminine gender and masculine gender के difference बताया था कि feminine gender में जितने females के बारे में बात हो रही होती है वो feminine gender होते हैं और जिसमें males में हो रही होती है वो masculine gender होते हैं. ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी कुछ आपको पढ़ाए थे फेमिनिन जेंडर मस्कुलिन जेंडर. जेंडर्स यानी कि हिंदी में जेंडर्स का मतलब होता है लिंग, लिंग बदलना और जेंडर चेंज करना. तो यहाँ पर जेंडर चेंज किया गया है यहाँ पर, जैसे कि वुमन, वुमन मिस होती है औरत और मैन मिस होता है आदमी. तो यहाँ पर औरत फेमिनिन हो गई और मस्कुलिन हो गया हमारा मैन यानी कि आदमी हो गया. तो ये हमारा फीमेल वर्जन हो गया और ये हमारा मेल वर्जन हो गया. ठीक है, फीमेल और मेल, डॉटर सन, गर्ल बॉय. इसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसी तरह से मैं कुछ वर्ड्स आज और पढ़ाऊंगी आपको. सो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे इसके वर्ड्स स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया है मैर, मैर और हॉर्स. इसका जेंडर चेंज किया हमने तो क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, यानी कि मस्कुलिन में क्या हो जाएगा, हॉर्स. टाइगर्स, टाइगर्स, टाइगर्स का टाइगर. एक्ट्रेस, एक्टर. हीरोइन, हीरो. ये जितने भी हैं ये फीमेल जेंडर है हमारे, और ये जितने भी हैं ये जितने जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, हमारे मेल जेंडर है. ये फीमेल है और ये आपके मेल है. जैसे कि हैन, हैन का मेल में क्या हो जाएगा, कॉक. पी हैन, पी कॉक. क्वीन, किंग. मैडम, सर. प्रिंसेस, प्रिंस. वेटर्स, वेटर. ब्राइड, ब्राइडग्रूम. मिस्ट्रेस, मास्टर. लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड. नीज, नेफ्यू. काउ, बुल और ऑक्स भी होता है. मदर, मदर का जेंडर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, फादर. वाइफ का क्या हो जाएगा, हस्बैंड. चीज मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, जितने भी संज्ञा, जितने भी नाम वाले शब्द हमारे मेल होते हैं वो हमारे मस्कुलिन जेंडर होते हैं और जितने फीमेल होते हैं वो हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं. तो इन वर्ड्स को, जितने भी मैंने ये जेंडर्स आपको पढ़ाए हैं अभी, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है जिससे कि आपको आगे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो. सो आज की वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है. आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है जिससे कि हमें आगे चलकर इनको एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो.